अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मनोहर। यस सर। केस पढ़ो। यस सर। मिस्टर विभूति नारायण पर ये इल्जाम है कि इन्होंने स्पेशल कलेक्टर साहब को अपने घर बुलाकर जोरदार थप्पड़ मारा। सर कहाँ इतने बड़े ऑफिसर सर, और कहाँ एक छोटा सा आदना सा आदमी सर। तो क्या एक छोटे से आदमी को इतने बड़े अफसर के गाल पर थप्पड़ मारने का अधिकार है? क्या एक बड़े अधिकारी को एक छोटे से आदमी की माँ के बारे में गलत सलत बोलने का अधिकार है? उस आदमी ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। उस आदमी को सिर्फ तुम्हारी माँ की रेसिपी में दिलचस्पी नहीं थी। सर मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन तरीका गलत था, टेक ऑफ गलत था, द वे यू सेड इट। लेकिन लैंडिंग तो सही थी ना। मेरा मतलब इन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की? तुमने उस अफसर के गाल पर सिर्फ उसकी आधी बात सुनकर थप्पड़ मारा। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में पिस्तौल होती तो क्या गोली मार देते? नहीं सर, गोली क्यों मारता, उसे तो आप मर जाते ना सर। गोली नहीं मारता सर। ठीक है, अगर तुमने पी होती तो मान लेते कि ऐसी हरकत हो सकती है, लेकिन आपने पूरे होशो हवास में उस अधिकारी के गाल पर थप्पड़ मारा। आई लाइक इट। जनाब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देना भूल गया। मेरे क्लाइंट ने उस रात पी रखी थी और इसी वजह से वो अपने होश में नहीं थे और उन्होंने हाथ उठा दिया। क्या कहा? उस रात इस आदमी ने ड्रिंक की हुई थी? जी हाँ सर, मैं ड्रंक था, मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए वो नशे में मैं ऐसी हरकत कर बैठा सर। अच्छा ड्रिंक ही हुई थी, तब तो ये केस और भी मजबूत होता है। सर, क्या मतलब सर? मतलब ये कि आपने एक सीधे साधे अफसर को, उसकी भोली भाली बीवी को घर बुलाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारा, और वो भी शराब पीकर। हमने सोचा था कि आपको छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देंगे, लेकिन आपने तो उस अधिकारी के गाल पर थप्पड़ मारकर शराब पीकर। हम आपको एक साल के लिए कॉलोनी निकाला देते। बेबी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे रोक लेंगे, और अगर मैं रुक गया तो वो घमंडी कलेक्टर समझेगा कि मैंने बगावत कर दी है। तो कर डालो बगावत विभु, कर डालो बगावत, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाती। तुम चार दिन के लिए भी कहीं चले जाते हो ना तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। उससे इतना प्यार करती हो? हाँ मैं तो करती हूँ, लेकिन घर के काम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, दूध लाना, मेरे लिए कॉफी बनाकर देना, ये सब तुम चले जाओगे तो कौन करेगा? एक्चुअली मैं बिल्स वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो एक्चुअली मेरे सर पे ना ये बिल्स के लिए पैसे कमाने की भी तो टेंशन रहती है ना। अब तुम चले जाओगे तो मुझे खाना कौन बना के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा, मेरे लिए विभु चला गया। विभु Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भुट्टे तुम बेच रहे थे, नमक भुट्टों पर लगाकर तुमने दिया, इसलिए तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों करूंगा सर, आप ही बताइए। अरे कृष्णा तुम्हारी आदत जो है ना, ये लिए। आप कौन? हम बच्चों की बुआ हैं, इसकी नहीं है, ये हमारे भाई की नाचायज औलाद है। अरे इंस्पेक्टर साहब आप जानते नहीं है, ये बच्चा जो है ना ये अपराधी प्रवृत्ति का है। हाँ यही लिए ना इसको घर से बाहर निकाल दिया था हमने। मोहल्ले वाले जितने हैं ना ये सब लोग इसको नाजायज नाजायज कह के बोलते हैं। हमको तो ये लगता है कि इन लोगों से बदला लेने के लिए ना भुट्टे में इसने कुछ मिला दिया है।
जिससे ये लोग खाएं और इन लोगों का सब सत्यानाश हो जाए। क्या बोले जा रही है आप? ऐसे इल्जाम मत लगाइए कृष्णा पर। आज तक कई इल्जाम लगाए गए हैं, उस पर एक साबित नहीं हुआ है, चाहे घर में हो चाहे कोर्ट में हो। सर, कृष्णा ने यह नहीं किया है। अरे, ये कृष्णा है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। क्यों भाई, हम गलत कह रहे हैं क्या, बताओ है? देखिए, ये भुट्टा उन लोगों ने खाया है जो अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसने नहीं किया है, तो ऐसा कौन कर सकता है? फिलहाल कृष्णा, तुम्हें थाने चलना होगा, फिर देखते हैं तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, विश्वास कीजिए, कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। अब जो दिखाई दे रहा है वही मानेंगे ना, कैसे मान ले कि कृष्णा ने ये सब नहीं किया है? हाँ हाँ, दरोगा साहब, सोचने वाली बात ये है कि कृष्णा ने 4 पैसे कमाने के लिए ये दुकान खोली थी। अब आप ही बताइए कि ये बेचारा अपनी रोजी रोटी के साथ भला ऐसी हरकत क्यों करेगा? देखिए, इस क्यों और क्या का जवाब तो थाने और कोर्ट में तय होता है। अभी तो बात यह है कि कृष्णा की दुकान से 2 लोगों ने भुट्टे खाए और वो बीमार पड़ गए, इसलिए कृष्णा दोषी है। प्लीज, मैं कह रही हूं ना कि कृष्णा ने ये नहीं किया है, वो कभी नहीं कर सकता ये। लेकिन देखने सुनने से सब कृष्णा के खिलाफ है, इसलिए कृष्णा को लेके चलो। चलिए, समझने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज प्लीज। हम सब कह रहे हैं ये नहीं किया है कृष्णा ने। देखिए मैडम, जो सच है वो कोर्ट के सामने आ जाएगा, अभी जाने दीजिए। हवलदार, लेके चलो इसे। अरे दरोगा साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रुक जाइए, मैंने किया है, जहर मैंने मिलाया है, मुझे ले चलिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे मौसा जी, दिक्कत कछु नहीं है, दिक्कत जाए कि एक तो 36 सही है, तुमने फोन हमें कर दी, हमें थाने में इतनी फोन ना करो ना, बन गए हम कमिश्नर। हम तुम्हारा ठेका पास करवाएंगे, लेकिन सुनो, अबे हमने घर में कोर्ट नहीं होता, अरे वो तुम्हारे फोन पे फोन हम एक मीटिंग में भी आने, तू हम तो राजो कोर्ट छोड़ के, समझो ना चीजें। यार इनको कोई काम है, अभी कोई दिक्कत है ना, कमिश्नर बनी नहीं है, 10 लोग पहले आ जाती हैं, जो कर दो वो कर दो, तूने सही करू जो क्या करूँ, क्या बात है बेनी प्रसाद। अब हम समझ गए, देखा एकदम, फिर वही सस्ती वाली। चुमूलाल, मतलब एक समय था जब हम लोग इसके बारे में सोचा करते थे, सिर्फ बातें किया करते थे, आज साक्षात हमारे सामने जो है दर्शन दिए यार, मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक से तुम अबे कब बोले एक समय था, अब का समय है, अब कैसे समय है, ठंडे दिमाग से एक बात सोचो। तुम अब हो का कमिश्नर की दोस्त, तो हम आओ नहीं तो कम से कम अपनो लेवल तो समझो, हमारी तरक्की होगी तो तेरी थोड़ी बहुत तो तेरी होगी ना। ये बात तो सही है यार, तो आगे से ध्यान रखियो जो जो नहीं महंगी वाली। चल खोल चखना, मैं क्या बता। टन 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 रण, हाँ यही चाहिए, जो नहीं चाहिए टन टन, जो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे यार तुम का, हम समझ गए, पकड़ो जो देर तक कमाई, पता क्या दिक्कत है, तेरो IQ लेवल जो है ना बहुत कम है, तू चीजें सीख नहीं। एक बात बता, जो घास फूस खान खिलाने हम कमिश्नर बनी, तुम्हें घूम पे रखे हैं, शेर को खिलाने तुम्हें घास ही है, तुम एक तुम्हें प्रैक्टिस करो यार। तुम सुनो, खड़ी हो 2 मिनट, खड़ी हो पहले।
बोलो कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब। यस सर। यस सर। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब। अब कैसे लग रहे हो? अपने हमारी खुशी के लाने ना कहिए, खुद में आत्म मंथन कर। तू को कैसे लग रहा हो कि अब तू एक कमिश्नर को दोस्त है? हैं? अच्छा लगो ना। अच्छा लगो। अपने अब लेवल बढ़ो को। बढ़ा। अब हटा तो लिए जो खराब लग रही। बैठ। भाभी जी, ये हार देखिए। वाओ, हाय, कितना बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है तो। पूरे कानपुर में ऐसा डिजाइन आपको नहीं मिलेगा। अगर मिला तो मैं पायल पहनना छोड़ दूंगा। अगर ये पिन पूरे कानपुर, कानपुर क्या पूरी यूपी, यूपी क्या देश में भी मिल जाए तो मैं ये देश छोड़ दूंगा। बड़े छोड़ू किस्म के इंसान है आप, हैं? इसे तय लगा के रख दो, हमारे लिए कछु छोड़ने की जरूरत ना है। और सुनो, ये ना बड़े महंगे वाले आइटम लग रहे हैं, कछु थोड़ा सा बीच के टाइप के दिखाओ। अरे अम्मा जी, कैसी बात कर रही हैं? अरे भाभी जी कमिश्नराइन हैं, इनके लिए क्या महंगा क्या सस्ता। पैसों का क्या है, घर की बात है, जितना पैसा हो देना, नहीं हो तो मत देना। अपने ही तो है, फैमिली 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 फैमिली। बहुत सुंदर है अम्मा, जे हार हमें चाहिए, बहुत सुंदर है अम्मा, जे देखो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।